कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कौन नहीं कर रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत में तीन तीन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा हो और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला भी ये कह चुके हैं कि बस अगर सब कुछ ठीक रहा और नियामक संस्थाएं मंजूरी दे देती हैं तो 20 जनवरी तक भारत को उसकी पहली वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन 20 जनवरी तक हम सभी की एक जिम्मेदारी बनती है और वो कि जब तक दवाई नहीं तब तक हमें ढिलाई नहीं बरतनी है। लेकिन क्या वाकई में भारत में ऐसा हो रहा है? लगता तो नहीं है। कल हम आपके लिए दिल्ली की शक्ल सूरत लेकर आए थे, जहां हमने आपको बताया था कि त्योहारी सीजन में जिस तरीके से मार्केट्स में भीड़ बढ़ी है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग से अब सीधा ऑफलाइन शॉपिंग पर आ गए हैं और धीरे धीरे दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब पूरे देश भर में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो भी तब जब नीति आयोग से लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कह चुका था कि अब धीरे धीरे भारत में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत में रिकवरी रेट 92% के पार पहुंच चुका था। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस वक्त 100 लोगों को अगर कोरोना वायरस हो रहा है तो 92 लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ये दिखाई दे रहा है कि संक्रमण का जो रेट है जो पूरे भारत में 11% के आसपास में था, वहां दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना संक्रमण और साथ में कोरोना फैलने की जो गति है, जो उसका परसेंटेज है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में चिंता की बात यह है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से हम कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग जीतने की कोशिश कर रहे थे उस पर पानी फिर जाएगा। और इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे भारत से लेकर दिल्ली NCR में इस वक्त कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। कल हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए थे जहां हमने आपको बताया था कि दिल्ली में एक दिन में 6,700 से ज्यादा केसेस आए हैं और अब दिल्ली में उसके ठीक दूसरे दिन 6,800 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। लेकिन सिर्फ डरने वाली बात यह नहीं है कि दिल्ली में हर दिन नए नए केसेस के रिकॉर्ड बन रहे हैं, डरने वाली बात यह है कि संक्रमण रेट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि कोरोना की जो आर वैल्यू, जिसे कि हम कुछ प्रतिशत कम लाने में सफल हुए थे, अब वो लगातार संक्रमण रेट बढ़ रहा है। यानी कि एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित करता है, ये एक बड़ी बात होती है। और एक बार फिर दिल्ली में संक्रमण रेट भी बढ़ता जा रहा है, वो भी नेशनल रेट से कहीं ज्यादा। आपको बताते चलें कि दिल्ली सरकार ने 3 नवंबर को 58,000 से ज्यादा, यानी कि 59,000 के आसपास में कोरोना के सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें कि 6,700 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन 1,000 लोगों को कम किया गया है सैंपल साइज में, यानी कि 58,000 के आसपास में कोरोना सैंपल लिए गए, लेकिन उस वक्त 6,800 से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद से सरकार लगातार उच्च स्तरीय बैठक कर रही है। आपको ये बताते चले कि लगातार पूरे भारत में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा था, मोर्टैलिटी रेट कम हो रहा था और रिकवरी रेट बढ़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे दिल्ली में लगातार अस्पतालों के बेड भर रहे हैं, लोगों की जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और एक संक्रमित ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके केसेस भी ज्यादा दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने लगे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह चुके थे कि दिवाली के सीजन में सबसे ज्यादा हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से बाजार पटे पड़े हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती है, ऐसे में कहीं पूरे भारत में एक बार फिर कोरोना विस्फोट ना हो जाए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पूरे भारत में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ा अब बढ़ने लगा है। ऐसे में हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि मास्क हमें लगाए रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। अगर बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए, और अगर आप बाजार से आ रहे हैं तो अपना ख्याल ज़्यादा अच्छी तरीके से रखें। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।